दादी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो दादी जी? ठीक सो सुना। दादी जी, बीड़ी पीने की कहाँ से आ रही है? जैसे किसने बीड़ी पी हुई हो? हाँ बेटा, मैं पीऊँ थी बीड़ी। दादी जी, आपको मना क्यों रहा है डॉक्टर ने बीड़ी पीने के लिए? एक तो आपका BPI रहता है, ऊपर से आपने बीड़ी पी पी के सारे दांत खराब कर लिए। एक दो दांत बचे हैं, उनका ना आप ध्यान रखते हो, ऐसे कैसे चलेगा दादी जी? अरे दो तय दांत रह रहे हैं, इतनी बुढ़ी हो गई मैं, अब इन दांतों को बचा के कहाँ जाऊंगी मैं तो तेरे पापा से कह के नए दांत चढ़वा लूंगी। दादी जी, आप ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, ना तो सेहत का और ना दांतों का, ये तू रख बहुत ले है, गलत हाथी बात सा है। हो रहा। चुप रह, मैं तो जाऊं हूं डॉक्टर के। अरे रुको दादी, मैं भी आ रहा हूँ साथ में, रुको। अरे आराम से बैठ राम जाओ। राम राम माता जी, राम राम। राम राम नमस्ते माता जी, आइए बैठिए, बताइए क्या राम दिक्कत जी, है बचा आपको? डॉक्टर साहब, बचा लो डॉक्टर साहब, मैं अरे बड़ी दुखी हो रही माता हूँ जी, ये डॉक्टर क्या कर साहब, रहे हो आप मेरे माता डॉक्टर जी? साहब, माता जी, मैंने तो आराम से अपनी सारे दिक्कत दांत बताइए चले माता गए, जी। चने चुने तो छोटे गंडे खाया करती है, हम खेतों बैठ के सारी सहेली वो तो सब चलाया गया, ब्याह पाछे या बहू इसी ले आया हम, या तो रोटी भी ना देती, मना मेरे तो जानबूझ के इसी सब्जी बनाओ जो मेरे तो खाई ना जाती। डॉक्टर साहब मैंने बचा लो डॉक्टर साहब, माता मैंने जी, मर माता जाएगी जी, डॉक्टर साहब, थोड़ा मैंने सा बचा टाइम लो मेरी बात सुन लो, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर कोई साहब, दिक्कत नहीं है माता जी, आप ऐसे क्यों मन छोटा कर रहे हैं डॉक्टर माता जी? कोई बात नहीं माता जी, अभी हम आपके पूछ के पूरे मुंह के लिए जबड़ा बनाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए अभी आपका नापा लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? तो ये गर्म करके मैं आपके मुंह में लगाऊंगा, आपको सिर्फ चाय जितना गर्म लगेगा, आपको बिल्कुल मतलब हिलना नहीं है ज्यादा, नहीं तो फिर इसके नापा में दिक्कत आएगी माता जी, और नापा फिर गलत आता है तो बनता भी गलत। ठीक है माता जी, अब अपना मुंह खोलो, खोलो मुंह खोलो माता जी। माता जी, एकदम जैन ज्यादा माता जी, गर्म तो भारी नहीं तेल लगा है, माता जी, ज्यादा गर्म तो बिल्कुल नहीं है। चाय जितना गर्म, चाय भी तो पीता माता जी। अरे आराम से, अरे 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 फूक माता जी, क्या करे माता जी, अरे गिर गया। अब माता जी इसको दोबारा गर्म करके लगाना पड़ेगा, बताओ आप बिना हद करते हो बिल्कुल ही। लो अब दोबारा गर्म कर दिया, अब दोबारा इसको बहुत लगाओ। गर्म है, बहुत गर्म है। अरे अरे ये तो अब गंदा क्या गंदा कर, था, ये तो गिर गया, तो माता मिट्टी में से जी लगाने वो लग रहा है, कैसे मेज डॉक्टर भी तो है तू, साफ तो थी माता माता बेसुध, जी, तू तो मेज बेसुध साफ है थी। डॉक्टर, मैं अरे नहीं करवाती काम में। ठीक है माता जी, अभी आपका नापा हो गया है, अभी मैं आपको अगली डेट दे रहा हूँ 2 दिन बाद की, 2 दिन बाद आना है आपको, आपका जो रिलेशन हो जाएगा, कौन सा रिलेशन हो जाएगा? जो रिलेशन माता जी। ई बी सुमर में तू मेरे कौन सा रिलेशन करवाएगा? अरे माता जी, वो वाला रिलेशन नहीं कह रहा मैं आपके ऊपर नीचे के जबड़ों का हिसाब दे। ठीक है माता जी, राम राम। राम राम जी डॉक्टर परसों साहब, टाइम से आ जाना सुबह, और खाना ठीक वाना से खा के आ आना। जाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। ये लो माता जी, आपके दांत बन के तैयार हो गए हैं, अब आपका जो मन करे खाओ पियो, बस ज्यादा सख्त मत खाना। अरे इन तकिए खाऊं पीऊं मैं, ये तो तेने मेरे हाथ में दे दिए, हाथ में तो मेरे पहले ही ना आ रहे थे दांत, इब तो तेने के मैं नया बना के देना था, मैंने तो पक्के दांत लगवाने की मारी आई थी आड़े। पक्के दांतों का खर्चा माता जी ज्यादा आता है, उसका 1-1.5 लाख का खर्चा आएगा। अब आपने मेरे को उतारा चढ़ाने वाले बोला था, मैंने आपको उतारा चढ़ाने वाले बना के दे दिए। मैंने तेरे तक कही थी उतारन चढ़ाने की दांत, मैंने तेरे तक दांत चढ़ाने की कही थी, ईसा कितना खर्चा आ गया है? 1-1.5 लाख, 1-1.5 लाख में तो मैं अपनी छोरी का ब्याह करा दूं, मैंने पागल समझ रहा है तू, तेरी जितनी उम्र की तो मेरे पोते हो रहे हैं। मेरी तो एक बात समझ में आ गई है, अरे मैं ये बात क्या बताऊं, ना हुक्का पीती और करती टाइम पे ब्रश, ना जाते जाते मेरे अरे बनती सबका क्रश।